कल ना रात की बात है, हमने एक शाबाशी वाला काम किया। कर क्या रहे थे कि रात को 1 बजे प्यास लगी थी, पानी पीना था, तो यहाँ पे बैठ के भाई साहब जग लिया मैंने और जग को यहाँ पे रखा बेड पे और आराम से बैठा। जैसे ही बैठा पता नहीं उसको हाथ लगाया क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी पूरे बेड पे यहाँ पे बिखर गया। पूरा जग भरा हुआ था पानी का और सारा का सारा बेड पे। जल्दी से फटाफट से मैंने बेडशीट उठाई, सामान सारा नीचे फेंका। मैंने कहा जितना जल्दी उतारता हूँ उतना जल्दी कुछ ना कुछ तो कम पानी जाएगा नीचे। और वो पीछे पड़ी है बेडशीट, यहाँ से उतार के मैंने फेंका उसे। और बट काफ़ी देर हो चुकी थी तो यहाँ से सारा भर चुका था पानी से। और पूरी रात मेरे को सिर्फ ये जो 1.5 फीट जगह है यहाँ से, ये इतनी सी जगह बची थी तो यहाँ पे सोना पड़ा। वैसे दूसरे रूम में जा सकता था बट यार 1-1.5 बजे यार फिर मैंने सोचा क्या दूसरे रूम में जाऊँ और सोऊँ, 4-5 घंटे की तो बात है, तो यहीं पे सो गए हम जैसे तैसे करके। तो होता रहता है। सो बड़े बड़े शहरों में ये छुट मुट बातें होती रहती हैं कभी कभी, तो चलता है सब। अभी फिलहाल 7 बज रहे हैं और जैसे ही बाहर धूप आती है तो इसको धूप में रखेंगे, सुखाएंगे और फिर दोबारा से इसको यहाँ लगाएंगे। 346 minutes later. तो भाई ये वाली समस्या का हल तो हो चुका है और अभी फिलहाल नीचे हाई कमान से ऑर्डर आया है कि हमें जाना है मार्केट और कुछ मेडिसिन्स और कुछ दवाइयाँ लेके आनी है। सो फिलहाल मैं पढ़ने बैठा था, वैसे सोच ही रहा था कि पढ़ना स्टार्ट करूँ, उससे पहले नीचे से ऑर्डर आ गया। एंड इसी महीने की 11 तारीख से अपने एग्जाम भी हैं, सभी यूनिवर्सिटीज कैंसिल कर रही है यार, एग्जाम आगे बढ़ा रही है, पोस्टपोन कर रही है। पर गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई पॉजिटिव हो, चाहे कोई नेगेटिव हो, हमने तो भैया आपके एग्जाम लेने ही लेने हैं, तो यही वाला सीन है। तो उसी की प्रिपरेशन चलती रहती है। तो अभी फिलहाल मार्केट चल के आते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और वैसे भी ना 2-3 हफ्तों से हमने बाइक बाहर नहीं निकाली है और उसकी कंडीशन मेरे को लगता है काफी बुरी मिलेगी देखने को, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद उस पर कवर नहीं लगाया था, भूल गया था मैं। तो चलिए चलते हैं, आपको कंडीशन दिखाते हैं बाइक की और फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। मैंने सोचा तो था कि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं पर तभी ना अचानक से दिमाग घूमने लगा, सर घूमने लगा, चक्कर आने लगे, तो टेंशन भी होने लगी कि क्या हुआ अचानक से, ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो सीन चल रहा है तो इसके चलते डर डर तो लगता ही है यार। और बाद में रियलाइज हो गया कि ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी कल और कुछ काम के लिए मैं बाहर भी कई बार जा चुका था तो उसी की वजह से हो सकता था। तो इसलिए कल पूरा दिन रेस्ट किया, कोई भी काम नहीं किया, ना वीडियो शूट किया, ना कोई व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं किया, सारा दिन फ्री था। और आज जैसे सुबह उठा, उठते ही सबसे पहले मैंने यूट्यूब को चलाया और सबसे पहले मेरे को एक खुशखबरी देखने को मिली तो आपके साथ शेयर करने का मन हुआ। सो न्यूज़ में आ रहा है कि इंडिया ने कोरोना की पहली वैक्सीन जो है उसकी खोज कर ली है और 7 तारीख को यानी इसी 7 जुलाई से इसके जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और टारगेट ये रखा जा रहा है कि 15 अगस्त पे इसको लॉन्च करना है। तो देखते हैं ट्रायल्स में अगर ये सफल होती है तो 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस को हमें देखने को मिल सकती है एक अच्छी खबर। तो काफ़ी टाइम से डरे हुए थे यार इस चीज़ से और अचानक से ऐसी न्यूज़ जब आती है तो दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा इंसिडेंट इस बार अपने साथ ये हुआ कि अपने जो चैनल पे एक वीडियो पे स्ट्राइक आ गया था यूट्यूब की तरफ से, उस पर किसी ने फ्लैग कर दिया था कि आपका ये जो वीडियो है ये वॉयलेंट क्रिएट कर रहा है। तो भाई साहब यूट्यूब इंडिया ने बिना कोई तहकीकात किए हुए हमारा वीडियो कर दिया डाउन। और वजह हमें पता है क्या दी गई, मैंने तो अपना मेलबॉक्स चेक किया तो उसके अंदर उन्होंने दे रखा था कि आपका ये जो वीडियो है ये वायलेंट क्रिएट कर रहा है और ये कारण बन सकता है किसी की डेथ का या फिर किसी को फिजिकल डैमेज पहुंचा सकता है। उस वीडियो में था कुछ नहीं, ये जो हैंड सैनिटाइजर है इसका रिव्यू किया था मैंने, उसमें इसके बारे में बताया था। तो मेरे को नहीं लगता कि इसका रिव्यू करने से किसी की जान जा सकती है या इस तरह का कुछ एक्टिविटी हो सकता है। हालांकि मैंने डिस्प्यूट फाइल किया और अपना वीडियो वापस आ गया,
लेकिन वो जितना भी झमेला था उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाला टेक चैनल पे, उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं पूरे वीडियो में कि क्या मसला था। और काफ़ी यार वीडियो ठीक ठाक अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अचानक से उसे डाउन कर दिया गया तो बहुत बुरा लगता है। एंड कहना आसान है किसी के लिए कि जैसे अभी टिकटॉक बैन हुआ तो सब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, लेकिन जो क्रिएटर होता है ना उसके मन पे क्या बीतती है उसका दर्द वही जानता है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और अचानक से बिना किसी वजह के उसे डाउन कर दिया जाता है या फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि टिकटॉक वाला पार्ट अलग था, ये लो लाइट भी गई यार, लाइट को भी इसी टाइम जाना है। लाइट को भी पता चल जाता है यार कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है, अचानक से चली गई तो उसमें हाँ तो कहाँ थे हम। हाँ तो जो टिकटॉक है तो उसका तो सीन अलग था यार, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था इसलिए उसे डाउन किया गया। बट यूट्यूब पे ये जो होता है क्रिएटर्स के साथ तो इससे काफ़ी बुरा लगता है। एंड जो लोग ऐसे विदाउट किसी रीज़न के यार वीडियोज़ को फ्लैग करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत किया करो, बहुत बुरा लगता है जब बिना किसी वजह के वीडियो डाउन होती है। हालांकि उखाड़ कुछ नहीं पाओगे आप, और ये काम किसी निजी हेटर का ही है, उखाड़ आप कुछ नहीं पाओगे फ्लैग करने के बाद, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैंने वीडियो को डिस्प्यूट फाइल किया और अपना वीडियो आ गया वापस। तो जिस बंदे ने फ्लैग किया अगर वो वीडियो को देख रहा है तो भाई जोर लगा ले, और जितनी भी वीडियो सबको फ्लैग कर। अपने को जब पता है कि वीडियो में ऐसा कुछ गलत कंटेंट नहीं है तो वीडियो डाउन कैसे जाएगा, तो भाई साहब ऐसा मत किया कीजिए। और मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को होता है यार किसी को आगे बढ़ता देखकर उसकी टांग खींचने की आदत होती है। यही नहीं, ऐसा हर सेक्टर में होता है यार, बड़े बड़े लोगों में होता है, अभी बॉलीवुड में भी यही सीन चल रहा है आपको पता होगा। तो हर सेक्टर में होती है यार इस तरह की नेगेटिविटी भरी हुई। सो यार अभी लाइट गई हुई है तो माइंड मत करना, तो लाइटनिंग कम है क्योंकि ऊपर वाली जो छत में लाइट है वो बंद होगी, सिर्फ एक ही लाइट से काम चल रहा है। तो अभी क्या है, हमने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया है। तो जैसे ऑफिस में होता है कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो अपना शेड्यूल ये चल रहा है कि सुबह 9 से शाम के 6 तक पूरा फोकस वर्क पे रहता है। और मैं आपको डेस्क दिखाता हूँ अपना। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा था, यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड, टेक चैनल पे एक वीडियो डालना है उसके बारे में यहाँ पे रीड कर रहा था, और स्टडी वगैरह सारा कुछ यहीं पे अपना। और ये कुछ अलग कुछ सीक्रेट है, इसको आगे आपको किसी वीडियो में बताएंगे कि अभी किस चीज़ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लगभग अपने पूरे 8 घंटे इसी टेबल पे और इसी चेयर पे यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, पूरे दिन में 8 घंटे। और इस सिटिंग की हैबिट से बेनिफिट ये रहने वाला है कि वैसे फ्री तो मैं बैठता नहीं हूँ 8 घंटे, मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही करता हूँ इसमें, बुक्स पढ़ लेता हूँ, स्टडी करता हूँ, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ, अभी एग्जाम आने वाले हैं, और साथ में यूट्यूब वीडियोस पे वर्क वगैरह चलता रहता है, अभी एडिटिंग करने बैठूंगा यहाँ पे। तो यानी पूरे दिन में 8 घंटे हम अच्छे से प्रोडक्टिव निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल जा रहा है, होप कि ये काफी हेल्प करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, सुबह उठते ही नहाओ, नहा के 9 बजे रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे बैठो, और पूरे दिन में सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ वो भी लंच के लिए, और पूरे 8 घंटे यहाँ पे वर्क करते हैं और अच्छे से पूरा दिन निकालते हैं। उसके बाद शाम को कुछ टाइम बचता है उसके अंदर वर्कआउट वगैरह के अंदर चला जाता है, तो 8-9 बज जाते हैं, फिर थोड़े बहुत इधर उधर कुछ टाइम पास के लिए वीडियोज़ वगैरह देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये दिनचर्या हो गई है आजकल। तो अभी फिलहाल बाहर तो इतना निकलना नहीं हो रहा है क्योंकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। और हाँ, आज वाली ये जो वैक्सीन वाली न्यूज़ है ना, इसको सुन के काफ़ी पॉजिटिवली फील हुआ और लगा कि अब बस कुछ ही दिनों की बात और है और फ्रीली हम वैसे ही घूम सकेंगे जैसे पहले आज़ाद घूमा करते थे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।